आज के दिन अगर हमें और मुझे भारत माता का गुणगान करने का मौका मिला है और हमारी मतलब आजादी को, जैसे हमारा देश कहा जाता है कि 100 साल बंधन में था, हम लोग 100 साल अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन 100 साल के बाद हमें स्वतंत्रता मिली, तो हमें दोस्तों अंग्रेजों से तो स्वतंत्रता मिली, लेकिन उसके बाद जो भी हमें स्वतंत्रता, जो कि हमारी पॉकेट की स्वतंत्रता हमें मिलने चाहिए, वो अभी तक नहीं मिली है। तो सबसे पहले मैं संगीता बारापात्रे आज के जूम मीटिंग में, आज के सेशन में, मैं आप सब लोगों का, EWL सिस्टम के मेरे बहुत ही प्यारे योद्धाओं का, EWL सिस्टम जो अपने पॉकेट की आजादी देना चाहता है, ऐसे धुरंधर योद्धा का, EWL सिस्टम के जो धुरंधर योद्धा है, जो इस सारे दुनिया को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं, ऐसे आप सभी लोगों का तहे दिल से आज के इस 26 जनवरी के दिन हार्दिक वेलकम करती हूँ। तो आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से जोरदार तालियां। थैंक यू मैम, वेलकम। हमारी एक जंग है, आप सब लोग जानते हैं, हम एक जंग लड़ रहे हैं, एक लड़ाई है। यस, कुछ लोगों की आवाज नहीं है ना, तो ये लड़ाई है। हम भारत माता की जय जयकार तो हमेशा करते हैं और करते रहेंगे जब तक है जा तब तक, लेकिन आज फिर से एक बार भारत माता की जय जयकार करते हैं और उसके साथ साथ इसी भारत धरती पर जो हमारे ग्रेट मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जिन्होंने निर्माण किए, जो महागुरु जिन्होंने भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कल्पना लाए, मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन फिर भी भारत माता के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि उनकी भी जय जयकार हो और उनके साथ साथ हमारे अदोशा कंपनी भी इस भारत धरती पे सबसे बेस्ट है। हमारी अदोशा कंपनी, जैसे हमारा फोल्डर ओपन होता है और फोल्डर ओपन होते बराबर हम यही बोलते हैं कि अदोशा कंपनी हमारी इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, तो हम ये भी बोलते हैं कि ये सिर्फ हमने लिखा नहीं है, ये सिर्फ लिखित नहीं है कि अदोशा कंपनी इस हमारे इंडिया की बेस्ट कंपनी है, बल्कि हम इस को साबित भी करके दिखा रहे हैं, जो कि हमारा प्लान है, जो कि हमारा सिंगल लेग है ना। सबसे पहले हम भारत माता की एक बार जय जयकार करें, मेरे थ्रू भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथ साथ बड़ी जय जयकार हमारी कौन है, हमारी अदोशा, जय अदोशा, अदोशा है, भरोसा है, अदोशा, अदोशा है, भरोसा है, भरोसा है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, अदोशा है तो सही में भरोसा है और इस भरोसे को कायम रखने वाले हम ही लोग हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, मैं तो तहे दिल से हम सब लोग उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक अलग मिशन पे काम करना शुरू किया है। वो चाहते हैं कि हम सब लोग जो अभी तक बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग किए हैं, लेकिन करने के बाद भी कहीं ना कहीं पेयर इनकम या फिर कंपनी की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम होने के वजह से नेटवर्कर लोग आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्लान डिजाइन किया है कि यहाँ पे हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने ये सब हमारे लिए किया है ना, लेकिन इसको सार्थक करना किसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आज 26 जनवरी है, हम सब लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिसने भी इस दुनिया में लाए उसको मेरा सलाम, उसको उसकी जय जयकार, दूसरा हमारे अदोशा कंपनी की जय जयकार जो हमारे डायरेक्टर्स लोगों ने हमारे बारे में सोचे, लेकिन अभी जो हमें कर्म करने हैं वो तो हमें ही करने हैं ना। और आप सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि हमारे EWL सिस्टम में जो भी विनोद जी ने बोलो या हमारे सभी सीनियर्स ने ये मॉर्निंग का जो जूम सेशन शुरू किए हैं, तो सबसे पहले तहे दिल से मैं पूरे EWL सिस्टम के तरफ से अपने सीनियर्स को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये मॉर्निंग का जूम सेशन है ना दोस्तों, ये हमें मॉर्निंग का मल्टीविटामिन डोज देता है। लोग बोलते हैं कि चाय पीने से एनर्जी आती है, लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने से या और भी हर किसी का कुछ ना कुछ ये होगा उससे एनर्जी आती है, लेकिन मैं बोलती हूँ मुझे और मेरे EWL सिस्टम के सभी साथियों को मॉर्निंग का ये जूम सेशन देख के, जो हमें जूम सेशन में आज बताया जा रहा है कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी अद्भुत चमत्कार कर रही है,
अभी तक की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है नेटवर्क मार्केटिंग हमारी अदोशा अदर भी कंपनी कहीं ना कहीं छुपी थी। 90% लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके निगेटिव थे, लेकिन इस जूम सेशन के माध्यम से हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के गुणगान, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज क्या चमत्कार कर रही है वो दिखा पा रहे हैं, और वो देख के वो मल्टीविटामिन डोज लेके हम जब मैदान में उतर रहे हैं तो हमारे अंदर दिन भर एनर्जी रह रही है। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप को कहा भी जाता है कि संगीता बारापात्रे इज अ एनर्जेटिक लेडी, तो सही है ये एनर्जी मुझे ये मॉर्निंग का जो जूम सेशन है, मतलब कहीं ना कहीं तो एनर्जी है, लेकिन जो जूम सेशन है ना 90% एनर्जी को मेरे 100% कर देता है। तो थैंक यू सो मच सभी सीनियर्स का, मेरे EWL सिस्टम का, और स्पेशली विनोद जी की पूरी टीम ये मॉर्निंग के जूम सेशन को बिना चुकते हुए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको निभा रही है और हमारे सभी साथियों को अवेयर कर रही है। रोज ऐसी ऐसी वीडियो दिखाई जाती है कि वो वीडियोस को देख के ऐसा लगता है कि यार ये मतलब हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं कि इतने आगे बढ़ चुके हैं तो हम कहाँ, मतलब हम क्या कर रहे हैं। तो एकदम एनर्जी से इंसान प्रफुल्लित हो जाता है और अपने दिल में एक आग आती है, मतलब सोया हुआ भी होगा तो जाग जाता है और बोलता है कि चलो आज कुछ करके दिखाते हैं। तो ये प्लस पॉइंट आप लोग, आप सभी लोग, या EWL सिस्टम बोले या हम सभी लोग, लोगों को दे पा रहे हैं। तो दोस्तों कितना भी लोगों को दे लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो रिजल्ट्स है वो 80-20 का ही काम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है मैं आप एक दो लोगों से जानना चाहती हूँ, जबकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ रही है जूम सेशन से, ये आप सब लोग भी जानते हो, आपने फिक्की की रिपोर्ट देखे हो, आप गूगल को सर्च कर रहे हो, आजकल बहुत सारी अवेयरनेस आ रही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और स्पेशली उसमें हमारे अदोशा कंपनी को लेके कि हम लोग धमाल मचा सकते हैं। मतलब आज तक ऐसा कोई इतिहास नहीं रचा गया, ऐसा इतिहास हम रच सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा भारत देश गुलाम था और उस समय चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोगों ने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिए क्योंकि हम उन्हें आजादी चाहिए थी। इसमें सब लोग आए थे इंक्लूडिंग, लेकिन उसमें से कुछ लोगों का ऐसा नाम रहा। तो इनका नाम क्यों हुआ इंदिरा गांधी, आज भी हम उनकी जय जयकार करते हैं, आज भी हम उनको मानते हैं, दिल से मानते हैं, जब भी उनका दिन आता है तो स्मरण गीत गाते हैं। तो ऐसा क्या किए उन्होंने? तो जहां तक मुझे पता है दोस्तों कि कुछ बड़ा करने वाले कुछ नया नहीं करते, कुछ अलग नहीं करते, बल्कि एक ही काम को बार 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 निरंतर निरंतर निरंतर, चाहे जान चली जाए चाहे सब कुछ चला जाए, लेकिन उसके लिए डटे रहते हैं, लगे रहते हैं और वो अपने लाइफ का ड्रीम बना लेते हैं। तो जहां तक मैं जानती हूँ और मुझे लगता है जो सारी चीजें मैं देख रही हूँ, जो गवर्नमेंट की जो भी हमें फैसिलिटीज मिल रही है, फिक्की की रिपोर्ट की, आने वाले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली है। और मैं तो चाहती हूँ उस इतिहास में संगीता बारापात्रे का नाम होना चाहिए, विनोद जी का नाम होना चाहिए, और भी जो मेरे साथी है जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है उनका भी, नेहरू पटेल जी का नाम होना चाहिए हमारे लिए भी, हमारे जन्मदिन पर ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपना जन्मदिन मनाए बल्कि पूरा इंडिया, पूरा देश हमारा जन्मदिन मनाए, है ना? तो आप चाहते हो ये सब हमारे साथ। और दोस्तों आप ये तो बोलते हैं नागपुर की शेरनी अकेली काफी है संगीता बारापात्रे में। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप लोगों को मैं जो ये बातें बोल रही हूँ ना, हो सकता है कि आप लोगों को अभी हवा हवाई लग रही होंगी, लेकिन मैं फैक्ट बता रही हूँ कि अगर हम लोग कुछ नया ऐसा एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि अभी भी 80-20 के रेशो आ रहे हैं हमारे, अभी भी 80-20 रिजल्ट्स आ रहा है, तो अगर हमें 80-20 के रिजल्ट्स को और ज्यादा बढ़ाना है और हमारे अदोशा को फर्स्ट लेवल पे लाना है तो उसके लिए हमें ही सब कुछ करना है, हम लोग करेंगे। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, है ना? मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी यहाँ पे कि अपने काम में कमी कर रहे हैं, सब लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं।
सभी अपने ड्रीम्स चाह रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। ऐसा कौन इंसान है जो आगे नहीं बढ़ना चाहता? सभी का ड्रीम है, सभी चाहते हैं कि मेरा नाम सबसे पहले हो। लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है दोस्तों कि हमें यहाँ से बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है ना। जैसे भारत देश को आजादी मिलना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए महात्मा गांधी जी, भगत सिंह का इनका नाम क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किए, एक्स्ट्रा चाहिए था। तो वैसे यहाँ पे भी हमें जो कभी जॉब से नहीं मिल सकता, जो आप रोज वीडियोस हमें दिखा रहे हो, हम देख रहे हैं, तो हमें ये चीज समझ में आई है कि लाइफ में हम कुछ भी कर ले, कुछ भी, चाहे हम करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल दे, चाहे हम बहुत सारी मेहनत करें तो भी हमें वो अचीवमेंट नहीं मिल सकती, चाहे हम बहुत सारा एजुकेशन करें तो भी वो अचीवमेंट नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ से हमें 2 या 3 साल में वो सारी अचीवमेंट मिल सकती है जिससे हमारे और हमारे बच्चों के, हमारे फैमिली के, हमारे समाज के पूरे सपने फुलफिल हो सकते हैं, है ना? ये हम सब लोग जानते हैं। और जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो हमारे अंदर से होता है, दिल से होता है। जो इंसान इस बिजनेस में एक बार पूरी तरीके से समर्पित हो गया, विजन लेके आया, तो वो डेफिनेटली 100% यहाँ पे सक्सेस हो सकता है। क्योंकि मुझे पता है कि हर इंसान महान नहीं बन सकता, है ना? हर इंसान गांधी जी नहीं बन सकता, हर इंसान भगत सिंह नहीं बन सकता, हर लेडीज लता मंगेशकर नहीं बन सकती। लेकिन हर व्यक्ति आज जहाँ है, जैसा है, अगर वो अपने आप को 1% भी आगे बढ़ाए, 1% भी कुछ करे, तो हर इंसान महान नहीं बन सकता। लेकिन हर इंसान आज जहाँ है, जैसा है, उससे हर दिन बेहतर जरूर बन सकता है, है ना? यस यस, आपसे ये प्रण कर सकते हैं। आज 26 जनवरी है 2023, ये साल चल रहा है, और आज से हम लोग, क्योंकि बोला जाता है कि हम जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। क्योंकि हम दूसरों को नहीं सुधार सकते दोस्तों, दूसरों को हम कितना भी बता दे, मुझे पता है आप लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी कि आप जा रहे हो, लोग सुन नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लगता है यार इतना अच्छा बिजनेस है, इतना बेस्ट बिजनेस है, इतना मतलब इनकी लाइफ सुधारने के लिए मैं आया हूँ, मैं इनकी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन ये सुन क्यों नहीं रहे? और आप अपना मान लगता है, क्यों नहीं सुन रहे? ये पागल है क्या? इनकी किस्मत खराब है क्या? ये क्यों नहीं समझ पा रहे? तो दोस्तों एक चीज है, हम लोगों को नहीं बदल सकते कभी, लोग तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं और हम अपने आप को बदल सकते हैं। और जहां पे हमने आपको बदल दिए, तो जहां से हम खड़े हैं लाइन वही से शुरू हो जाएंगी, है ना? तो हम अपने आप को बदलते हैं। और मैं ये जानती हूँ कि अगर हम हर दिन अपने आप में 1% भी बदलाव करें, 1% भी हम एक्स्ट्रा करें, क्योंकि कंपनी हमें क्या दे रही है, हमारा सिस्टम, हमारे सभी सीनियर्स हमें एक अलग अचीवमेंट देने वाले हैं। जैसे कि अभी आप मुझे बताइए कि पैसा तो हमें बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है ना? पैसा आ रहा है ना हमें, लेकिन पैसे के साथ साथ आप सोच के देखिए कि हमें कितनी सारी अचीवमेंट मिल रही है। मतलब जॉब करने वाले जो है वो तो आपको सिर्फ यही देते हैं इनकम, लेकिन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या फिर उसमें हमारी जो अदोशा कंपनी है वो हमें कितना कुछ दे रही है, ये आप खुद भी जानते हैं। सबसे पहले तो हमें इनकम दे ही रही है, उसके बाद हमें चार मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले जो अपने आप को बोलते भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अकड़ के बोलते हैं, लेकिन हम ये बोल सकते कि भाई हमारी कंपनी हमें इनकम तो दे रही है, लेकिन साल में हमें 4 बार बोनस दे रही है। पता है आपको, हमें मतलब हर 4 मंथ में हमारा लेवल इनकम मिलता है। मतलब सोच के देखिए कि कितना प्राउड फील करने वाली बात है कि हमें साल में 4 बार बोनस मिल रहा है। क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्तों आपको? यस मैम, यस मैडम, बिल्कुल यस, वेरी गुड आवाज मैडम। अब बोनस तो हमें मिल रहा है, लेकिन बोनस के साथ साथ हमें इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है जो हमारे शोज में होता है। कितने बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं, मतलब वहां पे जब हम एंट्री करते हैं, जैसे अभी आप लोगों के भी तरफ
दस का दम हमारा शो है 12 तारीख का, है ना? इन दो yes, में शायद 12 तारीख का दस का दम शो है. yes, सही जा रही है? सही है मैम. दस के में मतलब जेंट्स लोग जब एंट्री करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि भाई हम स्टार बन गए, जब आपको आपके जूनियर्स लोग वहां पे आपके अचीवमेंट पे उठा के लेके जाते हैं, उसके बाद आपके लिए ढोल नगाड़े बजते हैं, उसके बाद वहां पे जाके आपके गले में मालाएं पहनाई जाती है, आपको ट्रॉफी से नवाजा जाता है, हमारे रिस्पेक्टेबल आदरणीय सभी सीनियर्स आके आपको सम्मानित करते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि यार मैं कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूँ. मैंने तो थोड़ा सा हटके सबसे पहला काम तो मैंने ये किया है कि मैंने डिसीजन लिया आदोशा में जुड़ने का. ये हमें ऐसा लगता है और हम लोगों से अलग दिखाई देते हैं, लोगों से अलग दिखते हैं, अपने आप पे प्राउड फील होता है कि भाई मैंने जो कर रही हूँ ना मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, और हम मुझे तो प्राउड होता है, लेकिन हमें हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को आप सोच के देखिए कितना प्राउड होता है. क्योंकि आज अगर आप मार्केट में घूमोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि लोग कितने दुखी है, कितने परेशान है. पैसे तो थोड़े बहुत उनको आते होंगे, पैसे से भी मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन पैसों के साथ साथ आज भी वो अचीवमेंट के लिए मारे मारे फिर रहे हैं. तो सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद कीजिए भगवान का कि आपने ज्वाइन किए, वो सही डिसीजन आपने लिए. दूसरा धन्यवाद कीजिए अदोषा कंपनी का कि आपने इंडिया की या फिर मैं तो बोलूं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी में ज्वाइन किए हो, तो हमारा दिल गदगद होना चाहिए. और मार्केट में जाने के बाद अगर हमें 80% लोग ना भी बोलते हैं तो भी हमें एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए एक्स्ट्रा काम करना है. मैं यही बोलूंगी कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन हर दिन अगर हम जैसे हम सोच के जा रहे हैं कि हमें दो ज्वाइनिंग निकालना है या आज हमें 5 लोगों से मिलना है, तो मैं ये बोलूंगी कि आप 6 लोगों से जरूर मिलिए, और वो 6 लोगों के मिलने के बाद आप अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए. क्यों? क्योंकि कंपनी हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दे रही है, हमारे सीनियर्स हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दे रहे हैं. तो 10 के दम में जो हमारे अचीवमेंट सभी, जो 12 तारीख को हमारा 10 का दम जो शो होने वाला है उसमें जो सम्मान मिलने वाला है, तो आज जो लोगों की ना सुन रहे हो ना, तो वो ना तो आपके कानों में आनी ही नहीं चाहिए. आपके कानों में बस ये आना चाहिए कि एक बार और, एक एक्स्ट्रा मुझे और, एक बार और मुझे उसके तरफ जाना है, एक बार और उसको दमदार तरीके से बताना है. क्योंकि मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग में अचीवमेंट लेने के लिए हम माने ना तो बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, और बड़े काम में ऐसा नहीं कि हम इजीली कर लेंगे नॉर्मली, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मिलने वाला है. तो नॉर्मल करेंगे ना तो नॉर्मल ही रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पाने के लिए, एक्स्ट्रा लेने के लिए और एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स के लिए आए हैं. तो अभी भी समय बहुत सारा है हमारे पास. आज 26 जनवरी है, लगभग 12 तारीख का शो है, हमारे तरफ 8 तारीख का है. तो आप इन कम दिनों में भी अगर आप एक्स्ट्रा करें, जैसे 8 घंटे की नींद है तो 7 घंटे की नींद लेना शुरू करें, और वो एक घंटा, अगर एक घंटा भी आपने एक्स्ट्रा दिए, एक्स्ट्रा किए, तो गारंटेड यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी लोग अचीवमेंट लेने के लिए 10 के दम में जाने वाले हैं. तो मैं आप सब लोगों से यही कमिटमेंट चाहती हूँ कि 10 का दम जो हमारा शो होने वाला है, और आप सब लोगों को पता है कि अभी हमारा ऑफर भी चल रहा है ना? कौन सा ऑफर है? ऑफर का नाम बता देंगे. हमारे कंपनी का जो ऑफर चल रहा है, हेलो, गोवा और थाईलैंड मैडम. यस मैम. नाम क्या है? गोवा, थाईलैंड, बैंकॉक. ऑफर का नाम क्या है? न्यू ईयर धमाका. न्यू ईयर धमाका, बहुत बढ़िया. तो ये धमाका, ये 10 का दम और ये न्यू ईयर धमाका और 100 का दम, ये जो शब्द हमारे सर ने, हमारे सीनियर्स ने हम लोगों को दिए, हाँ, वन डे पिकनिक, उसको 100 का दम कहा जाता है. तो ये जो शब्द, ये शब्द ही हमें अपने आप में 90% क्या 100% एक्साइट कर देती है. तो इस एक्साइटमेंट के साथ हम अगर मैदान में निकले, इस खुशी के साथ, तो हमें 10 लोग या हजारों लोग भी अगर हमें ना बोलेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी ना में हमें ना दिखाई देंगी, बल्कि उनकी ना में भी हमें हाँ ही दिखाई देंगी, और हमें ऐसा लगेगा कि ये पागल है, इसकी किस्मत खराब है. भगवान ने ना
इसकी किस्मत लिखते समय शायद हो सकता है कि भगवान नींद में होगा, शायद भगवान को नींद आ रही होंगी इसलिए नहीं बोल रहा है ना। तो हम ये सोच सही बात है। जब सही वो नहीं बोलता है तो आता है ना, क्योंकि हमें पता है भाई बिजनेस इतना अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि इसकी लाइफ बदले, ये आगे बढ़े, लेकिन फिर भी वो ना बोलता है। तो इसका मतलब यही है ना कि भगवान जब उसकी किस्मत लिख रहा था तो नींद में था, राइट? तो हम भी उसकी किस्मत नहीं बदल सकते। तो हमें ये दोस्तों एक्स्ट्रा करना है, जैसे हमारे 10 का दम शो है, उसमें आपकी अचीवमेंट्स, आपका स्टार, जैसे मैं स्टार को लेके जब ये थीम रखी गई जो हमारे आदरणीय विक्की कारवानी सर ने मुझे बताए, तो मुझे बचपन से ना स्टार बनने का बड़ा शौक था। और मुझे पता है कि हर बच्चा जब बच्चा होता है, जब उसको दुनियादारी पता नहीं होती है, तब उसे भी लगता है कि मैं स्टार हूँ। जब हम पिक्चर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैं वहां स्टार हूँ। तो वहां पे तो हम स्टार बन के उस बोलेंगे उस ख्वाहिश को, उस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाए। जैसे विनोद जी को भी पहले लग रहा होगा कि नहीं भाई कोई पिक्चर विक्चर देखे तो मैं भी हूँ स्टार, मैं भी अमिताभ बच्चन हूँ, मैं भी सलमान खान हूँ, सही बात है, देखे तो लगा होगा कि भाई हाँ मैं भी हूँ कुछ, है ना। क्या बोलेंगे आपको, अक्षय कुमार हूँ। लेकिन जब पिक्चर खत्म हो जाती है तो भाई ना अक्षय कुमार नारू बन जाता है, विनोद जी अमिताभ बच्चन नहीं रहते बल्कि विनोद जी बन जाते हैं। तो हम वो सिर्फ ड्रीम में देखा करते हैं कि भाई ऐसा है। जब कोई एक फाइट मारता है पिक्चर में तो उस समय ऐसा लगता है कि भाई मैं मार रहा हूँ, विनोद जी को लगता है कि अमिताभ बच्चन मैं हूँ। लेकिन जब हम रियलिटी में है, हमारे सपने सिर्फ वो नींद के सपने रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थ्री स्टार का मतलब है कि हमें स्टार बनने का मौका मिला है। ये जो स्टार बनाया गया है ना, ये शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा लेवल है ये कि हम स्टार हैं। और अभी सर ने एक नया थीम भी और निकाले हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, उनको यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखे हैं कि जो पुलिस में जो रहते हैं उनको यहाँ पे स्टार लगाए जाते हैं, है ना, जो अचीवमेंट उनको मिलती है। तो ऐसे भी हमारे साथ भी होने वाला है। तो हम लोग देखो जो स्टार लोग रहते हैं वो तो सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, रियल एक्टिंग करते हैं, लेकिन हम रियल एक्टिंग करके लोगों की जिंदगी बना के हम स्टार बनने वाले हैं। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो 10 का 10 शो में आप लोगों को स्टार बनने का मौका मिल रहा है, पहला। और भी बहुत सारे वहां पे प्रोग्राम में अचीवमेंट्स लेने का मौका मिल रहा है, जैसे 100 का दम है, आप कितनी क्वालिफाई कर लेते हो, आप अपना लेवल चेंज करते हो, और भी जो हमारे ऑफर्स चल रहे हैं। तो बार 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 स्टार बन के एक हीरोइन की तरह, जैसे मुझे तो लगता है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज लोग हैं जो घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन करना वहीं तक सीमित रह जाती है, लेकिन यहाँ पे लेडीज लोगों को एक हीरोइन बने जैसा, मतलब मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बने जैसा ये पहनाया जाता है। और वहां पे हमें हमारा वेलकम होता है, नाम अलाउंस किया जाता है, और हम जाते हैं तो जाने के बाद इंसान ऐसा गदगद हो जाता है। तो ये बहुत सारी अचीवमेंट, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, फिर भी मैं अपने मतलब जो दिल की मेरी बातें हैं, जो मेरी फीलिंग्स है, और जो मुझे यहाँ पे मिला है और आगे भी मिलने वाला है, जिससे मेरी और आप सबकी लाइफ सेटल होने वाली है, समाज में हमारा नाम होने वाला है, तो जो चीजें मैं दिल से समझ रही हूँ वही आपके दिलों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे इतना विश्वास है दोस्तों कि जो बातें दिल से निकलती है तो वो आगे वाले लोगों के दिल को छू जाती है, और दिल को जब बातें छूती है ना तो इंसान तूफान खड़ा कर सकता है। व्यक्ति ने अगर दिल में ठान लिया, और हमारा बिजनेस दोस्तों थोड़े पागलपन का है, नॉर्मल रहने का नहीं है, थोड़े पागलपन का है, इतनी शर्म है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा वो वैसा, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें थोड़ा पागल होना है और पागलपन की हद तक हमें काम करना है। बाकी जो भी चीजें है, 1-to-1 फॉलोअप, ये सारी चीजें सिस्टम के माध्यम से और चीजों के माध्यम से तो आपको बताई जाती है सीनियर्स के माध्यम से, लेकिन मैं बस यही चीज आपको बोलूंगी और यही चीज आज आपको दूंगी एक स्टोरी के माध्यम से कि एक कुत्ता था और एक था खरगोश। कुत्ता जानते हैं ना आप लोग, और खरगोश को भी जानते हैं। तो कुत्ते की नजर जैसे खरगोश पे पड़ी, यस मैम, कुत्ता खरगोश को पकड़ने के लिए दबोचने के लिए दौड़ा,
कुत्ता तेजी से दौड़ा और जैसे खरगोश ने कुत्ते को देखा तो अपनी जान बचाने के लिए खरगोश तेजी से दौड़ा। तो खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, ऐसे भागते 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 खरगोश अपने बिल में जाके छुप गया। और छुपने के बाद थका हारा बेचारा खरगोश बाहर देखता है कि जो मुझे दबोचने वाला था वो कहाँ है। ऐसी सहमी सहमी आंखों से देखता है बिल के अंदर से, तो कुत्ता बिल के बाहर दिखाई देता है। और कुत्ता बड़े इससे ताव से खरगोश को बोलता है, जो गाली वाली निकाल के, अबे खरगोश, मैं तेरे से ताकत में बड़ा हूँ, मैं तेरे से शरीर में बड़ा हूँ, मैं तेरे से तेज भाग सकता हूँ, लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। तो खरगोश बेचारा अपनी सहमी सहमी आंखों से हांकते हुए खरगोश को कुत्ते को बोलता है कि कुत्ते भाई, मेरे दोस्त, आप मेरे से ताकत में बड़े हो, आप मेरे से शरीर में बड़े हो, आप मुझसे तेज भाग सकते हो, लेकिन आप जो भाग रहे थे वो आप सिर्फ अपने लंच के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए भाग रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें लंच के लिए नहीं भागना है, क्योंकि आपको पता है कि कुत्ता ताकतवर होता है, कुत्ता तेज भाग सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुत्ता खरगोश को पकड़ नहीं पाया। लेकिन खरगोश अपनी जान के लिए भाग रहा है, अपनी जिंदगी बनाने के लिए भाग रहा है। तो जिंदगी बनाने के लिए भागते समय एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है, एक्स्ट्रा ये लगा रहा है, इसीलिए कुत्ता उसे पकड़ नहीं पाया और खरगोश जीत गया। तो उसी तरीके से अगर आप लोग लंच के लिए भाग रहे होंगे, आप लोग लंच के लिए भाग रहे होंगे कि भाई मैं दो चार वन टू वन कर लूंगा, दो चार फॉलोअप कर लूंगा, दो चार मतलब लोगों से बात कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा थोड़ा बहुत, तो ये क्या हो गया, लंच के लिए हो गया। और लंच के लिए आप भागोगे तो मैं मानती हूँ हम लोगों को थोड़ी बहुत अचीवमेंट मिलेगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि हमें एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा पाना है। तो अगर 10 वन टू वन कर रहे होंगे तो 20 कीजिए, अगर 10 इन्विटेशन कर रहे होंगे तो 50 करना है। मतलब हमें एक्स्ट्रा करना है। क्यों करना है एक्स्ट्रा? क्योंकि लाइफ के लिए करना है। नॉर्मल नहीं रहना है, क्योंकि नॉर्मल लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, अदोषा कंपनी में आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। हर बार नए नए लोग आते हैं, आप भी देखते हो ना, तो नॉर्मल लाइफ तो वो वहां भी जी रहे थे और नॉर्मल लाइफ यहाँ भी नॉर्मली करेंगे तो कुछ होगा क्या? तो फिर वही बात आएंगे कि भगवान